Today I have to discuss chapter 6, triangle. In this, first we have to know what are similar figures. Similar figures, पहले जानना है सबसे पहले similar figures. जैसा कि नाम से clear है similar, similar that means एक जैसा. तो जो भी एक जैसा figure दिखे वो similar कहलाते हैं. जैसे जो ट्रायंगल आप लिए, जैसे देखिए एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है, इसको सिमिलर कह सकते हैं अभी फिलहाल, क्योंकि ये एक जैसा दिख रहा है. मतलब अभी जनरल हम बता रहे हैं कि टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे हैव सेम शेप, आकार एक जैसा हो तो वो सिमिलर ट्रायंगल कहलाएंगे. यहां जैसे सिमिलर फिगर हुआ, जैसे कि ये सर्कल है, एक छोटा सर्कल एक बड़ा सर्कल, तो ये दोनों सर्कल जो है ये सिमिलर कहलाएंगे. इसका मतलब हुआ टू फिगर्स आर सेट टू बी सिमिलर इफ दे हैव सेम शेप, एक जैसा अगर उनका आकार हो, देखने में एक जैसा दिखें तो वो कहलाते हैं सिमिलर फिगर्स. कॉन्ग्रुएंट फिगर में, जैसे आप कॉन्ग्रुएंट पढ़े हुए हैं कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट, तो कॉन्ग्रुएंट में होता है कि टू फिगर्स हैव सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम शेप एंड साइज, देन दे आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट. मीन्स उनका शेप भी सेम हो, एक जैसा दिखें, और उनका साइज भी सेम हो, तब वो कहलाते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स या कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट्स. यहां सिमिलर के बारे में आपको जानना है कि सिमिलर फिगर क्या होते हैं. ठीक है, तो सिमिलर फिगर में केवल जो है टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे आर हैविंग सेम शेप. सो वी कैन से दैट एवरी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, बट एवरी सिमिलर फिगर नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट. मतलब कि कोई भी अगर कॉन्ग्रुएंट फिगर हैं तो वो सिमिलर होंगे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट फिगर का डिफिनेशन है हैविंग सेम शेप एंड साइज. लेकिन अगर वो सिमिलर केवल है तो जरूरी नहीं है कि कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि सिमिलर है तो केवल हैविंग सेम शेप, एक जैसा आकार होगा, साइज सेम नहीं होगा. जब तक दोनों चीजें कंडीशन फॉलो नहीं होगा तब तक वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे. तो एवरी कॉन्ग्रुएंट फिगर इज सिमिलर, बट एवरी सिमिलर फिगर नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट. ये आपको जानना है. इसके बाद जो है, टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो आर इन सेम प्रपोर्शन. आपको पॉलीगन के बारे में अगर बताया जाए तो आपको कहेंगे कि टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर. दैट मीन्स फर्स्ट कंडीशन इज इफ देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स are equal and their corresponding sides, are in the same ratio. Same ratio or in proportion. कहने का मतलब जो है कि कोई भी पॉलीगॉन, पॉलीगॉन मीन्स हुआ ट्रायंगल, जैसे कि टू ट्रायंगल्स, पॉलीगॉन की जगह आ सकता है टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट सिमिलर इफ देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, देन
द टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर. नाउ यू हैव टू टेक एक्सरसाइज 6.1. केवल फिल इन द ब्लैंक्स है, उसको देख लेते हैं. जैसे कि पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स. फर्स्ट वन इज ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट आर सिमिलर. आर ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, यहां फर्स्ट में होगा सिमिलर, क्योंकि सभी सर्कल जो है सिमिलर होते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं. कॉन्ग्रुएंट तभी होंगे जब उनका रेडियस सेम होगा, तो सिमिलर यहां भरेंगे. सेकंड है ऑल स्क्वायर्स आर आल्सो सिमिलर. स्क्वायर्स जो है सिमिलर होंगे क्योंकि सेम शेप होगा, एक जैसा दिखेंगे, लेकिन साइज जरूरी नहीं कि सेम हो. तो यहां पे भी ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर. थर्ड वन इज ऑल डैश है ट्रायंगल्स आर सिमिलर. देखिए हर टाइप के ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगे, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होगा वही सिमिलर होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल एक जैसा दिखेगा. तो ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, क्योंकि अभी बताया गया कि पॉलीगॉन सिमिलर तब होंगे जब दे हैव सेम एंगल्स, इक्वल एंगल्स एंड देयर साइड्स आर इन द सेम रेशियो. ये जरूरी है. तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऐसा होता है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर. फोर्थ वन इज टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल. करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो होगा एंड देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल. यहां पे देखिए करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. करेस्पॉन्डिंग एंगल अगर पूछ रहा है तो उसमें इक्वल हो जाएगा एंड देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, आर इन द सेम रेशियो. ये कहेंगे इन सेम रेशियो हो जाएगा, ठीक है. करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो. यहां फिल इन द ब्लैंक्स हो गया ये आपका, इससे भर लेंगे. क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स. तो सिमिलर फिगर्स का दो एग्जांपल देना है, तो कोई भी कर सकते हैं. जैसे कि फैन हो गया आपके घर में, तो जैसे सीलिंग फैन है एक जैसा, उसमें थ्री ब्लेड्स होते हैं, तो वो सिमिलर हो गया, एक जैसा दिख रहा है, ठीक है. और सर्कल्स हो गए. नॉन सिमिलर फिगर्स, नॉन सिमिलर फिगर तो कोई भी नाम ले लेंगे, तो नॉन सिमिलर फिगर्स हो जाएगा. तो ये एग्जांपल्स दे लेंगे आप. अब आइए जैसे क्वेश्चन नंबर थ्री है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट. पहले में देखिए दिया हुआ है, पहले में जो बना है साइड्स हैं 1.5 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर, ये आपका चारों साइड इक्वल है, ठीक है. और दूसरे में भी चारों साइड इक्वल है, लेकिन यहां दूसरे फिगर में एंगल 90 डिग्री भी बना हुआ. तो अभी आप पढ़े हैं कि दोनों पॉलीगॉन्स, जो टू पॉलीगॉन्स आर सिमिलर व्हेन दे हैव करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो. तो यहां पे देखिए करेस्पॉन्डिंग साइड्स तो सेम रेशियो में है. साइड्स जैसे है 1.5 है, उसका 3 है, तो 1.5 बाई 3 करेंगे आप तो 1:2 आएगा. सब साइड का रेशियो सेम आएगा, जैसे 1.5 इसका है और दूसरे वाले का है 3, तो अगर दोनों का रेशियो करेंगे तो ये आ जाएगा 1:2. सबका सेम आएगा, लेकिन करेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होना चाहिए. तो यहां पे पहले फिगर का जो है एंगल इक्वल नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए जो है ये दोनों फिगर जो है सिमिलर नहीं होंगे. तो सिमिलर के लिए जरूरी है कि करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों और उनका साइड जो है सेम रेशियो में हो. नाउ वी हैव टू डिस्कस सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स. टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो आर इन प्रोपोर्शनल. तो टू ट्रायंगल्स सिमिलर तब होंगे जब उनका जो है करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो और करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो में हो. रेशियो सेम होना चाहिए. इस पे डिपेंडेंट हमारा जो है एक थ्योरम है, थेल्स थ्योरम. थेल्स थ्योरम देखिए
या उसी को हम जो है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या शॉर्ट में बीपीटी, इस थ्योरम को हम देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बोर्ड में कई बार पूछा है, इसको तैयार करेंगे आप। जैसे थ्योरम कह रहा है, स्टेटमेंट है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये स्टेटमेंट है। तो पहले हम देखते हैं गिवेन क्या है। पहले हम लिखेंगे कि गिवेन, थ्योरम को प्रूव करने में पहले गिवेन देखेंगे क्या है। कह रहा है इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, दैट मींस ए ट्रायंगल इज गिवेन, ए ट्रायंगल एबीसी से ए ट्रायंगल एबीसी इज गिवेन। यू हैव टू राइट गिवेन में ट्रायंगल एबीसी, ये दिया हुआ है। और कह रहा है इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, दैट मींस ए लाइन विच इज ड्रॉन पैरेलल टू देखिए दिया है वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, दैट मींस लाइन एल इज पैरेलल टू वन साइड, दैट मींस बीसी, एल इज पैरेलल टू बीसी टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। ये लाइन जो है देखिए, ये दो साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है, एक मान लीजिए डी पे और एक ई पे कट कर रहा है। तो ये मान लीजिए ये पॉइंट है डी और ये पॉइंट है ई, डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो डी और ई डिस्टिंक्ट पॉइंट हो गए, ठीक है। तो ये लिखेंगे एल पैरेलल टू बी सी विच इंटरसेक्ट ए बी एट डी एंड AC at E, AC को E पे और AB को D पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अब हमें जो है देखिए क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ कह रहा है कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये जो साइड्स डिवाइड हो रहा है, ये AD BD और ए ई ई सी, तो ये कह रहा है सेम रेशियो में होगा। तो यू हैव टू प्रूव दैट ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ये आपको प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन जो है ध्यान रखेंगे, क्या कंस्ट्रक्ट करना है। कंस्ट्रक्शन बहुत जरूरी होता है थ्योरम्स को प्रूफ करने के लिए। तो यहां कंस्ट्रक्शन हम करेंगे, विड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर ए सी या ए ई कह सकते हैं, तो वी ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर ए ई एंड ई एन, इधर से ई से ये एन ड्रॉ किए, तो ई एन परपेंडिकुलर ए डी, ये कंस्ट्रक्शन, इसको हमको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा ज्वाइन बी ई एंड सी डी, BE और CD को ज्वाइन किए, वी ज्वाइन BE एंड CD। नाउ प्रूफ, हाउ वी हैव टू प्रूव दिस थ्योरम। फर्स्ट वी हैव टू कंसीडर ट्रायंगल ADE, ये ले लिए, और ट्रायंगल BDE, इन दोनों का एरिया, एरिया का रेशियो लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE by एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, all of you know एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट। तो ADE के लिए देखिए, ADE के लिए इधर से जब इस साइड का ट्रायंगल लिए हैं तो इधर ही लेते हैं, ये बेस हो जाएगा AD और हाइट हो जाएगा EN, तो हाफ बेस हो जाएगा AD इंटू हाइट हो जाएगा EN by एरिया ऑफ BDE, उसी तरह से हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ BDE, ये हमारा ट्रायंगल है BDE, तो ये बेस हो जाएगा BD, हाफ BD इंटू, और हाइट देखिए ये EN, इसके लिए भी हाइट होगा क्योंकि ये ऑब्ट्यूस ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूस ट्रायंगल में हाइट जो है बाहर गिरता है, तो ये हो जाएगा EN, हाफ कैंसिल EN कैंसिल, तो ये आ गया दैट इज इक्वल टू AD बाई BD। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE
बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू ए डी बाय बी डी से इक्वेशन नंबर वन। इसी तरह से अब हम ए डी ई को ही लें और अभिसार वाले ट्रायंगल को लें सी डी ई। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई दैट इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट। तो बेस ए डी ई के केस में ए डी ई अब इधर वाला ले रहे हैं तो इस साइड का बेस ले लें, ए ई बेस हो गया और डी एम हाइट हो गया, तो हाफ ए ई इंटू डी एम बाय इसी तरह से हाफ सी डी ई के लिए। देखिए सी डी ई के लिए सी ई ये आपका बेस हो जाएगा और हाइट ए डी एम, तो सी ई इंटू डी एम, डीएम डीएम कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल, दैट कम्स आउट ए ई बाई सी ई। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई इज इक्वल टू ए ई बाई सी ई से इक्वेशन नंबर टू। नाउ हियर वी सी दैट इन इक्वेशन वन एरिया ऑफ ए डी ई बाई बी डी इज इक्वल टू ए डी बाई बी डी, एंड इक्वेशन नंबर टू एरिया ऑफ ए डी ई बाई एरिया ऑफ सी डी इज इक्वल टू ए ई बाई सी। ये दोनों केस में, दोनों इक्वेशन में ए डी ई ऊपर में सेम है, ए डी ई और ए डी ई। अगर हमारा बी डी ई और सी डी ई इक्वल हो जाए तो इक्वेशन वन और टू इक्वल हो जाएंगे। तो आप क्लास नाइन में पढ़े हैं, यहाँ देखिए कि प्रॉपर्टी पढ़े हैं, वी नो दैट ट्रायंगल हैविंग सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। तो यहाँ पे देखिए ये डी ई सेम बेस है दोनों ट्रायंगल का, ये दोनों ट्रायंगल का बेस डी ई सेम है, ये ट्रायंगल है दोनों, दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है और लाइन बिटवीन सेम पैरेलल डी ई और बी सी सेम पैरेलल्स हैं, तो इन दोनों का एरिया जो है सेम होगा। तो ये लिखेंगे वी नो दैट ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया, देयरफोर एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई। इक्वेशन नंबर थ्री इसको बोल दिए। तो यहां देखिए ये दोनों ट्रायंगल का बी डी ई का और सी डी ई का एरिया सेम हो जाएगा, क्योंकि पढ़े हैं आप ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया, एरिया ऑफ बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ सी डी ई। अब आप देखिए ए डी ई ए डी ई के बराबर और बी डी ई और सी डी इक्वल हो गया, तो फ्रॉम वन टू एंड थ्री यू कैन से फ्रॉम वन टू एंड थ्री एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई, ये बराबर हो गए। दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाई बी डी ए डी बाई बी डी दैट इज इक्वल टू ए ई बाई ई डी, ये आपका प्रूफ हुआ ए ई बाई ई सी, ई डी नहीं ई सी, ए ई बाई ई सी, ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ये आपका थ्योरम प्रूफ हो गया। इसी से कोरोलरी आता है, कोरोलरी में अगर हम दोनों तरफ प्लस वन कर दें ए डी बाई बी डी प्लस वन इधर भी और ए ई बाई ई सी इसमें भी प्लस वन कर दें, अगर दोनों तरफ प्लस वन करिए, थ्योरम तो हमारा यहीं तक प्रूफ है, अगर थ्योरम आता है तो यहीं तक करेंगे, आगे नहीं करेंगे, ये इसका कोरोलरी है, क्वेश्चन बनाने में यूज करते हैं। प्लस वन अगर किए एलसीएम लिए दोनों तरफ, देखिए बी डी एलसीएम हुआ तो आया ए डी प्लस बी डी, यहाँ पे ई सी एलसीएम लिए तो हो गया ए ई प्लस ई सी, तो ए डी प्लस बी डी फिगर में देखते हैं, देखिए
AD plus BD is equal to AB और AE plus EC is equal to AC. AD plus BD को आप लिख सकते हैं AB. तो ये हो गया AB by BD is equal to AC by EC. AC by EC या CE. तो AB by BD is equal to AC by EC. ये देखिए AB by AD is equal to AC by CE या AE अगर लेते हैं आप जैसे AB by BD is equal to AC by EC ये भी हो सकता है या आप अगर AB by AD लेते हैं इधर से तो यहां AC by AE लेंगे मतलब जिधर इधर से जैसे लेंगे वैसे ही लेंगे ये कोरोलरी क्वेश्चन बनाने में इसको यूज करते हैं तो ये हमारा जो है कोरोलरी प्रूफ हुआ